हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर। ये इसके कुछ 7 पॉइंट्स हैं और उसमें से जो शुरू के पॉइंट्स हैं वो तो रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर या रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं। हाँ, लास्ट के कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो सिर्फ ट्रैकिंग स्पेसिफिक हैं। ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये हम दो पार्ट्स में बनाएंगे। शुरू के 3 पॉइंट्स हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे और आखिरी के जो 4 पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म या रिस्पॉन्सिबल ट्रैकिंग, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग, इसमें अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, व्लॉग्स मिलेंगे, पर मैं इस वीडियो को बहुत बेसिक रखना चाहता हूँ क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वही बेसिक बेसिक बातें हैं जो हमें बचपन से बताई जाती हैं और कहीं ना कहीं हम इनको फॉलो करना भूल जाते हैं या फिर नहीं करते क्योंकि वो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है और हम उनको उस तरीके से रियलाइज़ नहीं करते। मैं भी आज से अगर आप 12 साल पहले पूछेंगे जब मैं स्कूल में था तो बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल था। जहाँ कूड़ा दिखता था वहीं कूड़ा फेंक दिया, कहीं से पानी की बोतल ली और वहीं फेंक दी। हर मुझे लगता है हर हम में से हर इंसान ऐसा कभी ना कभी लाइफ में करता है, बट देन कभी ना कभी तो हमें जागना ही पड़ेगा। मैंने एक कोट कहीं पे पढ़ा था कि द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू प्लैनेट अर्थ इज़ द थॉट दैट समबडी एल्स इज़ गोइंग टू सेव इट। तो ऐसा नहीं होने वाला है। इस जो भी जितना पॉल्यूशन हम देख रहे हैं और प्लास्टिक से हमारे जो ओशंस भर रहे हैं उनका सॉल्यूशन हम ही को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना कहीं से अचानक से सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो इसमें कुछ 7 टिप्स हैं, उनमें से 3 मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो पहली टिप है वो है अवॉइड द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है, जैसे आपका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, लेज हैं, चॉकलेट्स हैं, प्रोटीन बार्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ड्यूरिंग ट्रैवलिंग यूज़ करते ही करते हैं। तो हम इनको कितना अवॉइड कर सकते हैं वो हमें सोचना चाहिए और करना भी चाहिए। जैसे बहुत सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वाटर बॉटल्स, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर आप एक ट्रैकर हो तो आप बहुत इजीली इन प्लास्टिक बॉटल्स को एक थर्मल फ्लास्क से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और वो थर्मल फ्लास्क ना, इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 500-550 रुपये का 1 लीटर, बट इट विल स्टे फॉर यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप जो पानी की बोतल लेते हैं, अभी आपको मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। उत्तराखंड में, सिर्फ उत्तराखंड में 3.5 करोड़ ट्रैवलर्स आते हैं साल के, ठीक है। और आप ये मान के चलिए कि अगर एक बंदा एक बोतल भी लेता है तो हम साल की 3.5 करोड़ प्लास्टिक बोतल्स जनरेट कर रहे हैं। वो कहाँ जा रही हैं? वो सारी ओशंस में जा रही हैं, रिवर्स में जा रही हैं। तो बेसिकली ये सब हम ही को रोकना है। और बहुत सिंपल तरीका है, जैसे ट्रैकर्स हैं वो अपनी एक थर्मल बोतल खरीद लें और उसी को रीयूज़ करें। और बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जो लोग ट्रैकिंग कंपनीज के साथ करते हैं वो आपको इनफैक्ट विंटर ट्रैक्स में खासकर गर्म पानी देते हैं सुबह और शाम एक बोतल। तो अगर आप प्लास्टिक की बोतल में उसको डालेंगे वो वैसे भी गर्म नहीं रहने वाला है। तो वो एनवायरनमेंट के लिए तो फ्रेंडली है ही, बट एज अ ट्रैकर वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। दूसरा पॉइंट था डू नॉट लिटर। अभी क्या होता है ना, जब आप सड़क में जाते हो, कहीं निकलते हो या फिर किसी ट्रैक पे निकलते हो, ट्रेल पे देखते हो, सड़क के किनारे देखते हो, बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा होता है और हर इंसान के ना दिल में दर्द ही होता है वो कूड़ा देख के। और तब हम क्या बोलते हैं पता है, कि हमारा देश कितना गंदा है। और अगर यूरोप जाओ या बाहर विदेश जाओ वहाँ पर सब साफ रहता है। तो वो क्यों रहता है? वो हम ही लोग तो हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो अपने देश को सुंदर बनाओ और ये सारा कूड़ा मत करो। हर गाँव में भी ना आज की तारीख में हर 10-10 किलोमीटर में वो म्यूनसिपैलिटी वाले डस्टबिन होते हैं। बस हमें वो उतना सा कष्ट करना है कि उसको उस डस्टबिन तक पहुंचाना है। उसका भी बहुत आसान तरीका है। अभी तो ट्रैकिंग में ट्रैश बैग्स आते हैं। जब मैं माउंटेनियरिंग करने गया था तो वहाँ हमें कीवी बैग्स दिया करते थे जो यहाँ पे ऐसे करके टग हो जाते हैं और सारा हमें अपना कूड़ा उसमें करना होता था और बेस कैंप में उसको हम प्रॉपर डिस्पोज करते थे। तो वैसे ही आपका जो प्लास्टिक है, जो कूड़ा है, वो आप अपने बैग्स में रखिए और वो म्यूनसिपैलिटी वाले उसमें डाल के आइए। ऐसा नहीं कि हमने अपने बेस कैंप में कूड़ा छोड़ दिया, जो भी कूड़ा जनरेट हो रहा है उसको आप नीचे लेके आइए। अगर आप किसी कंपनी के साथ जा रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर कि वो कंपनी वो सारा कूड़ा नीचे ला रही होगी। हम लोग सारा कूड़ा नीचे लाते हैं खच्चरों में भर भर के और उसको जो भी नियरेस्ट सिटी होता है, नियरेस्ट टाउन होता है, वहाँ डिस्पोज करते हैं। मेरे खुद का जो लिटर होता है, कितनी बार ऐसा होता है कि मैं हरिद्वार आता हूँ और वो बैग में रह जाता है, फिर एक हफ्ते बाद जब दूसरे ट्रैक पे मुझे जाना होता है तब वो बैग से निकलता है, फिर मैं दोबारा उसको पास ही के किसी डस्टबिन में डिस्पोज करता हूँ। तो ये सारी हैबिट्स हैं, सिर्फ हैबिट्स का खेल है और बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तीसरा पॉइंट था वेट वाइप्स और टिश्यूज़ यूज़ ऑफ, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैक्स में आपको बहुत ज़्यादा वॉशरूम्स वगैरह नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर आपको वेट वाइप्स ही यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो वेट वाइप्स हैं
उसको हम बहुत इजीली टिश्यू पेपर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो वेट वाइप्स है ना उसमें बहुत सारे पॉलिएस्टर्स होते हैं और बहुत सारे प्लास्टिक्स होते हैं जो डिकम्पोज नहीं करते, और वहीं जो पेपर है वो बहुत इजीली डिकम्पोज कर जाता है। तो ये जो ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना, अगर हम इतना छोटा छोटा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा। सिर्फ ये रियलाइजेशन वाली बात है, हम सबको रियलाइज ये अगर हो गया तो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि 3.5 करोड़ प्लास्टिक बॉटल्स, वो भी मिनिमम था सिर्फ इस अजम्पशन पे कि एक बंदा एक बॉटल ले रहा है, एक ट्रैवल में बंदे बहुत सारी वाटर बॉटल्स देते हैं, तो आप सोचो आप एज एन इंडिविजुअल अगर इतने लोग एकजुट हो जाएं तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हम एनवायरनमेंट को दे सकते हैं। ऐसे ही कुछ 4 और टिप्स हैं रिस्पॉन्सिबल ट्रैकिंग के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू, और आई होप आप ये छोटे छोटे स्टेप्स करेंगे, क्योंकि ये करना ना बहुत आसान है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है बस, पर इतना तो हम कर ही सकते हैं ना।